हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के मन में मेरी तरह ये ख्याल तो आता ही होगा कि भारतीय रेलवे की पूरी एयर कंडीशन ट्रेन सबसे पहले कौन सी थी। क्या वो राजधानी थी या राजधानी के आने से पहले भी कंप्लीट एसी ट्रेनें चला करती थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, राजधानी से पहले भी भारत में कंप्लीट एसी ट्रेन चला करती थी। उन्हीं में से काफ़ी फेमस ट्रेनों का एक पेयर है जिस पेयर को हम डीलक्स एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 1956 में भारतीय रेलवे ने दो ऐसी ट्रेनें चलाई जो कम्प्लीटली एयर कंडीशन थी। दोनों ही ट्रेन अमृतसर से ओरिजिनेट होती थी, जिसमें से एक पेयर हावड़ा की ओर जाता था और दूसरा अमृतसर की ओर। अमृतसर से हावड़ा की ओर जाने वाली गाड़ी को आज पूर्वा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और अमृतसर से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली गाड़ी को आज पश्चिम एक्सप्रेस कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही ट्रेनें आज भी भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक हैं। जब इन्हें चलाया गया था तो इन्हें राजधानी की तर्ज पे चलाया गया था। इनको इनके रूट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। इनके कोच की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी होती थी। इनको इनके रूट में सबसे ज़्यादा क्लियरेंस दी जाती थी। इनके रेक्स की मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती थी और साथ ही साथ ये ट्रेनें डिले कभी नहीं होती थी। अमृतसर से बांद्रा जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस का नंबर 25 अप और 26 डाउन हुआ करता था और अमृतसर से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस का नंबर 81 अप और 82 डाउन हुआ करता था। इन कंप्लीट एसी ट्रेन्स को कुछ ही समय में एसी एक्सप्रेस कहा जाने लगा और इनकी लग्जरी को देखते हुए कुछ ही समय में दोनों ही ट्रेनों को डीलक्स एक्सप्रेस कहा जाने लगा। आज भी आप पुराने यात्रियों से बात करेंगे जो इन ट्रेनों में सफर किया करते थे तो वो इन ट्रेनों को आज भी डीलक्स एक्सप्रेस के नाम से ही पुकारते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि पश्चिम एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस की टाइमिंग से लोग अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे क्योंकि ये ट्रेनें कभी लेट नहीं होती थी। दोस्तों, शुरुआती दिनों से ही ये ट्रेनें ICF के बनाए कंप्लीट एसी कोचेस से चली आ रही हैं। समय के साथ बदलाव आता गया और पूर्वा एक्सप्रेस को अमृतसर से हटा करके नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाया जाने लगा। पर पश्चिम एक्सप्रेस हमारी आज भी अमृतसर से ही चलती है, पर समय के साथ उसमें भी एक बदलाव आया। पश्चिम एक्सप्रेस आज भी अमृतसर से चलती है पर उसमें कालका से आए हुए स्लिप रेक्स अंबाला में लगाए जाते हैं जो ट्रेन के साथ बांद्रा टर्मिनस तक आते हैं। दोस्तों, 1969 में भारत की सबसे पहली राजधानी हावड़ा राजधानी इंट्रोड्यूस हुई, जिसके ऊपर आप अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आए हुए आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हावड़ा राजधानी के इंट्रोडक्शन के बाद इन ट्रेनों को कंप्लीट एसी की बजाय इनमें स्लीपर कोच अटैच कर दिए गए और तब से पूर्व और पश्चिम एक्सप्रेस में स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाई जाने लगी और धीरे धीरे इनके स्टॉपेजेस भी बढ़ा दिए गए और स्टॉपेज ज़्यादा होने के कारण समय सारिणी में भी उसका प्रभाव आया। 1990s तक दोनों ही ट्रेनों को इनके रूट में डीलक्स एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, पर 1990s के बाद दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन को पूर्वा एक्सप्रेस और अमृतसर से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली डीलक्स एक्सप्रेस को पश्चिम एक्सप्रेस कहा जाने लगा। दोस्तों, राजधानी जैसी VIP ट्रेन और तेज रफ्तार ट्रेनों के आ जाने के बाद ये ट्रेनें आम आदमी की पहुंच में आ गईं और आज भी पूर्वा और पश्चिम एक्सप्रेस आम आदमी को और हर तरह के यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा राजधानी ट्रेन से पहले भी चल रही एयर कंडीशन एक्सप्रेस और हमारी डीलक्स एक्सप्रेस के बारे में। अगर आप लोग पश्चिम एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको पूर्वा और पश्चिम एक्सप्रेस की लोको डिटेल्स और हर तरह की रूट डिटेल्स भी उन वीडियो में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।